मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। सिग्नेचर रिजर्व बैंक गवर्नर। भारत के हर नोट पर कुछ ऐसा ही वचन अंकित होता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि इसका मतलब क्या है और क्यों भारत के हर नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं? कभी आपने ये सोचा कि आरबीआई जितना चाहे उतना नोट क्यों नहीं छाप लेता? नोट छापने के लिए चाहिए ही क्या, एक नोट छापने की मशीन, कुछ लोग, स्याही और कागज। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि आरबीआई के पास कितना सोने का अंबार है। आप में से अक्सर कई लोग ये खबरें भी पढ़ते रहे होंगे कि आरबीआई ने इतने हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आरबीआई को इतने हजारों करोड़ों की इनकम आखिर होती कहां से है? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आज मैं किस्सा आज तक पर आपको सुनाऊंगा किस्सा भारतीय रिजर्व बैंक का। सबसे पहले बात करते हैं नोटों की छपाई की। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को बैंक नोट इशू करने की पावर्स दी गई हैं और आरबीआई की जो इकाई ये काम करती है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है और अगर आरबीआई को इससे बड़ा नोट छापना होगा तो उसके लिए सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। अब आपका अगला सवाल होगा कि ये नोट आखिर छपते कहाँ हैं? इसके लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। महाराष्ट्र के नासिक में, एमपी के देवास में, कर्नाटक के मैसूर में और वेस्ट बंगाल के सलबोनी में। इनमें से नासिक और देवास की प्रिंटिंग प्रेस को भारत सरकार कंट्रोल करती है और बाकी की 2 प्रिंटिंग प्रेस जो सलबोनी और मैसूर में है उनको आरबीआई कंट्रोल करता है। रही बात नोटों की छपाई की, तो आरबीआई साल की शुरुआत में ही प्रिंटिंग प्रेस को एक शेड्यूल दे देता है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें कब कब कितना नोट छापना है। इसके लिए आरबीआई पहले से ही डेटा तैयार कर लेता है जो आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेस से मिले डेटा से तैयार होता है। इसके बाद आरबीआई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का सहारा भी लेता है, यानी आरबीआई पहले से ही ये गणना कर लेता है कि कितने नोट सर्कुलेशन में है, कितने नोट पिछले साल नष्ट कर दिए गए, कितने नोट नए छापे जाने हैं और कितने खराब नोटों को इस बार बदला जाना है। इन सब की गणना करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री की कॉइन्स एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है और उससे कंसल्ट करने के बाद ये फैसला लिया जाता है कि इस साल कितने नोट छापे जाने हैं। खैर, ये तो हुई नोटों की छपाई की बात, लेकिन सिक्कों का क्या? क्वाइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक सिक्कों की ढलाई का काम आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होता है। सिक्कों की ढलाई पूरे भारत में 4 जगह पर की जाती है, कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के सैफाबाद और चेरलापल्ली और यूपी के नोएडा में। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 1,000 रुपए तक का क्वाइन इशू कर सकती है। अब अगला अहम सवाल ये है कि अगर आरबीआई और सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जितना चाहे उतना नोट छाप सकते हैं, तो क्यों नहीं आरबीआई उतना नोट छाप लेता जितने की उसे जरूरत है? इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि जो नोट आपके हाथ में है वो महज एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देता है उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्रिएट हो जाती है और इसके साथ ही वो कागज का टुकड़ा आरबीआई के लिए लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जिसके बदले में आरबीआई गवर्नर नोट पर प्रॉमिस करता है? तो इसका जवाब है कीमती धातु सोना और भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व। यानी आरबीआई के पास जितना सोना और जितना फॉरेन रिजर्व है उतने के ही नोट आरबीआई इशू कर सकता है और अगर आरबीआई ने इससे ज्यादा करेंसी इशू की तो आरबीआई की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। यानी आरबीआई की करेंसी को अगर एसेट से बैक ना किया गया तो भारत की करेंसी का हाल भी वेनेजुएला की करेंसी जैसा ही हो जाएगा,
वेनेजुएला में 1 लाख रुपए तक के करेंसी नोट हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कोड़ियों के भाव है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और सरकार को संतुलन बनाकर चलना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते और ना ही उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौंक गए ना? हम बात कर रहे हैं भारत के 1 रुपए के नोट की, जिस पर आरबीआई की जगह लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस नोट को छापने का अधिकार आरबीआई नहीं भारत सरकार के हाथ में होता है। इस नोट पर वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और एक फैक्ट जो आपको नहीं पता होगा वो ये है कि 1 रुपए का नोट अकेला ऐसा कागज का नोट है जिसे लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट समझा जाता है, क्योंकि इसे 1 रुपए का सिक्का ही माना जाता है। यही कारण है कि इस नोट पर प्रॉमिस नहीं किया जाता। पहले हमने गोल्ड की बात की थी कि कैसे रुपया छापने के लिए गोल्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जारी किए गए डेटा के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया भर के सभी देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। भारत के पास 612.6 टन गोल्ड है, यानी 6,12,000 किलो सोना। आरबीआई ने साल 2019 में 52.3 टन सोना खरीदा था, जिसके बाद ही भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 11वें नंबर से बढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गया है। लेटेस्ट डेटा की बात करें तो आरबीआई के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज का 6.1% हिस्सा गोल्ड होल्डिंग में है। आरबीआई अपने इस गोल्ड को भारत ही नहीं विदेशों में भी सुरक्षित रखता है। भारत की बात की जाए तो आरबीआई की नागपुर ब्रांच खजाने का काम करती है, क्योंकि आरबीआई का ज्यादातर खजाना इसी ब्रांच में रखा गया है। और अगर विदेशों की बात की जाए तो आरबीआई का कुछ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी पड़ा है। विदेशों में गोल्ड रखने की बात सुनकर ज्यादातर लोग ये भी सोच लेते हैं कि कहीं आरबीआई ने अपना सोना गिरवी तो नहीं रख दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर रिजर्व बैंक ये प्रैक्टिस आम तौर पर अपनाते रहते हैं, क्योंकि इससे उनका गोल्ड रिजर्व सुरक्षित रहता है। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ को ही ले लीजिए, जिससे दुनिया भर के सभी रिजर्व बैंक सोना खरीदते हैं। इस आईएमएफ का भी कुछ सोना भारत में रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखा गया है। तो अब तक हमने बात की कि कैसे आरबीआई रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के लिए उतना नोट ही छापता है जितना कि उसके पास एसेट है। लेकिन रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है, जिसके लिए सबसे बड़ी बाधक होती है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी आरबीआई एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब आरबीआई ये सब करता कैसे है, इसके लिए आपको महंगाई का कारण समझना होगा। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो जाहिर सी बात है वो चीज महंगी मिलेगी। लेकिन जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उस चीज के रेट मार्केट में कम हो जाएंगे। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। आरबीआई इसके लिए अपनी मॉनिटरी पॉलिसी का सहारा लेता है। सीधा सा फंडा है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जिससे होगा क्या, 2 रुपए की चीज लोग 4 रुपए में भी खरीदने को तैयार रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, जिससे लोग कम खरीदते हैं, उससे चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर को बढ़ा देता है, जिससे मार्केट में कैश इनफ्लो और बैंक लोन को रेगुलेट किया जाता है। इसे और आसानी से समझते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक जो आगे लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी लोगों को हायर इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। और वहीं अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाएगी तो बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना होगा, यानी बैंकों के पास कैश की कमी हो जाएगी, जिसके चलते अगर बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो आगे भी पैसा कम ही दे पाएंगे, जिसका असर होगा कि मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम हो जाएगा,
यानी लोगों के पास अगर पैसा कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें भी आरबीआई को संतुलन बनाकर चलना होता है, डिमांड कहीं इतनी भी ना कम हो जाए कि इकोनॉमी डाउन हो जाए और महंगाई कहीं इतनी भी ना बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना ही मुहाल हो जाए। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि आखिर इन सभी ऑपरेशंस को करते हुए आरबीआई पैसा कहां से कमाता है जो आगे सरकार को दिया जाता है। आरबीआई की कमाई के कई साधन हैं, इनमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है। असल में आरबीआई बैंकों से बॉन्ड्स खरीदता है और इसके एवज में आरबीआई उन्हें कुछ पैसा देता है, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है और इन बॉन्ड्स से आरबीआई इंटरेस्ट भी कमाता है और इन बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ने पर आरबीआई को प्रॉफिट भी होता है। इसके अलावा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, यानी आरबीआई सस्ते में डॉलर खरीदता है और उसे महंगे रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमाता है। यही नहीं, आरबीआई बैंकों को भी पैसा उधार देता है, जिसके एवज में आरबीआई उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसे आसानी से समझे तो आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है, यानी किसी भी बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से मांग लेता है और उस पैसे के बदले में वो आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। तो ये है आरबीआई के इनकम के कुछ मुख्य सोर्स। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि आरबीआई का काम पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। आरबीआई का काम है रुपए की वैल्यू को मेंटेन रखना और अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को दुरुस्त रखने के लिए आरबीआई जो एक्शन लेता रहता है उसी दौरान ये प्रॉफिट बनता चला जाता है। आरबीआई इसी प्रॉफिट में से अपने खर्चे निकालता है और कुछ पैसा रिजर्व में डाल देता है और बाकी बचे हुए पैसे को डिविडेंड के तौर पर भारत सरकार को दे देता है। असल में आरबीआई अपने इन सभी कामों के जरिए एक ही चीज़ करने की कोशिश करता है और वो है लोगों में इकोनॉमी को लेकर विश्वास पैदा करना, लोगों को होप देना कि उनका आने वाला भविष्य सुनहरा होगा और इस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए एक संस्था तत्परता से काम कर रही है और उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक।